तीर्थराज प्रयाग में 88,000 ऋषि बैठे हैं, अपने अपने काम कर रहे, तपस्या योग ध्यान जो जिसको आ रहा है कर रहे हैं महाराज। उसी समय वहां पर सूत जी महाराज पहुंचे हैं। सूत जी महाराज को देखते ही इन ऋषियों का मन प्रसन्न हो गया। जैसे अपने को कोई काम अच्छा लगता है और उसी का कोई स्पेशलिस्ट सामने से आ जाए तो अपना मन खुश हो जाता है, ऐसे ही 88,000 शौनकादि ऋषि, इनको भगवान की कथा बड़ी प्यारी लगती है। रसी का भूभि भावु कहा, ये भगवान की कथा के रसिया हैं। जैसे ही सूत जी महाराज को देखा कि तो इनको लगा आज अपने को भगवान की कोई ना कोई पवित्र विचित्र विलक्षण दिव्य अलौकिक कथा सुनने को मिलेगी। सबने सूत जी महाराज का स्वागत किया। महाराज स्वागत किया, आदर किया, बिठाया उनको महाराज और उनसे प्रार्थना करी, हे सूर जी महाराज, आपका ज्ञान रूपी सूर इस सूर से कई गुना ज्यादा प्रकाश करने वाला है, क्योंकि बाहर का जो सूर है आकाश मंडल में दिखने वाला, ये तो बाहर का अंधेरा ही दूर कर पाता है पर दूसरे दिन वापस अंधेरा आ जाता है, पर ज्ञान का सूर ऐसा है जो अंदर के अंधेरे को दूर कर देता है, और एक बार अंधेरा दूर हो गया तो फिर कभी लौट के अंधेरा आता नहीं है महाराज। इट्स अ डिफरेंस, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सन। अंदर और बाहर के सूर में यह अंतर है महाराज, ज्ञान के सूर में और इस सूर में यह अंतर है। ये सूर अंधेरा मिटाता तो है पर 12 घंटे के बाद फिर अंधेरा आता है कि नहीं, रात होती है कि नहीं होती है, फिर अभी रात हो जाएगी 2-4 घंटे बाद, फिर ये सुबह आएंगे 12 घंटे बाद फिर रात हो जाएगी। तो बाहर का सूर एक तो बाहर का ही अंधेरा मिटाता, अंदर का नहीं मिटाता है, साथ में ये मिटाता है वापस आ जाता है, पर ज्ञान का सूर ऐसा है जो अंदर के अंधेरे को मिटा देता है, और जिसका अंदर का अंधेरा एक बार मिट जाता है फिर वो अंधेरा लौट करके कभी नहीं आता है, वो हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान का प्रकाश सूर्य वो प्रकाशित बना रहता है। ऐसे सूर्य प्रकाश, ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर के सूत जी महाराज आए। शौनकादि ऋषियों को आनंद हो गया, स्वागत किया, बिठाया ऊंचा आसन देकर के और कहा, महाराज आप देख रहे हैं सामने कलयुग दिखाई दे रहा है जहां सभी लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, यही घोर कलौ प्रायो जीव शश्रुताम गताहा क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जिन लोगों की आदतें बिगड़ जाएंगी कलयुग के प्रभाव से उन लोगों को वापस शुद्ध करने का साधन क्या है, वापस उनको अच्छा बनाने का मार्ग क्या है, आप कृपा करो, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जिसकी समझ ना हो, आप सब कुछ जानते हैं, वेद और लोक मत में जो कुछ भी है वह कुछ भी आपसे अज्ञात नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हे सूत जी महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे ये कलयुग के प्रभाव से आश्री प्रवृत्ति से ग्रस्त हुए जीव भी वापस दैवी संपदा संपन्न बन जाएं, शुद्ध पवित्र बन जाएं और इनका जीवन सफल हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है, इसके लिए हम तुमको वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जितने ग्रंथ हैं सर्वसम्मत जो विचार है, सर्वसम्मत जो सार है, सबका जो मत है वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, उसी का नाम है श्री शिव महापुराण, वही शिव महापुराण हम आपको सुनाएंगे, जिससे आप ही नहीं शौनकादि ऋषियों जितने जीवात्मा आगे श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते जाएंगे
वो सभी शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, शिव के कृपा पात्र बनते जाएंगे और शिव के पवित्र धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते जाएंगे। ऐसी शिव पुराण की महिमा है। देखो, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, देवराज नाम का ब्राह्मण किरातों के गांव में रहता था, इसीलिए उसकी जो क्रियाकलाप थे वो धीरे धीरे बिगड़ते गए। असल में होना क्या चाहिए, गांव हो, क्षेत्र हो, जो भी हो, जो श्रेष्ठ आदमी है, जो समझदार आदमी है, उसका प्रभाव समाज पे पड़ना चाहिए। पर कभी कभी उल्टा हो जाता है, और अभी देखें तो ज्यादातर उल्टा ही हो जाता है। लोग बुरे का आचरण जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, अच्छे का आचरण उतने जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, खाना पीना चाहिए, इसका कभी पंडाल लगा है एक दिन का भी पंडाल नहीं लगा, फिर भी ज्यादातर लोगों के मुंह बस्तर की कोयला की खदान बन गए महाराज। इन चीजों को खा खा के बस्तर की कोयला की खदान महाराज ऐसे बन गए। क्यों? किसी ने आपको कोई गुरु तो मिला नहीं, किसी सत्संग में आपको सुनने को मिला नहीं, किसी मंदिर में आपको लिखा हुआ मिला नहीं, किसी ग्रंथ में आपको लिखा हुआ मिला नहीं, किसी संत ने आपको बताया नहीं, फिर भी आप ये कैसे करने लगे भैया? फिर भी कैसे करने लगे? ये है युग का प्रभाव। हम लोग स्वभाव से ही बुरी चीज को पकड़ लेते हैं, अच्छी चीज को पकड़ना मुश्किल पड़ता है। इस गांव में कथा कितने साल से चल रही होगी मुझे पता नहीं है, पर भजन के प्रति, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति हमारा सबका कितना रुझान हुआ है ये देखने की चीज है। और अगर असर हुआ भी है तो मैं उपस्थिति देख के ये कह सकता हूं, पुरुषों पे कम हुआ है कुछ कुछ, माताओं पे, क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा दिख रही है। इधर वालों के बीच में तो होल बना हुआ है, मैंने अब ये कब फिलअप होगा पता नहीं, हो ना हो कोई बात नहीं, पर बात आ गई तो कह रहा हूं, इधर की संख्या ज्यादा दिख रही है महाराज। अगर पिछली कथाओं का असर पड़ा भी है तो इस डिपार्टमेंट पे ज्यादा पड़ा है, इस पे फिर भी अभी कम ही पड़ा है, पर पड़ना चाहिए सबके ऊपर महाराज। इसमें आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, अब फिर भी परिवर्तन का दौर शुरू ना हो तो कहीं ना कहीं फिर चिंता करने की बात बनती है। इसीलिए एक दिन में सब ध्रुव प्रहलाद बन जाओगे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, पर धीरे धीरे अपने आप में ही परिवर्तन करते जाना चाहिए, अपने विचारों में, अपने क्रियाकलापों में धीरे धीरे परिवर्तन करते जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है जो आपको मिल चुका है, आपके हाथ में है महाराज। इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग करने से आपको कुछ मिलना नहीं है, सदुपयोग कीजिए। ये भगवान की कथाएं हमको सुधारने के लिए ही है, काय के लिए है? सत्संग का अमृत संदेश, आज हम अच्छे बनेंगे सारे। सत्संग का अमृत संदेश, आज हम अच्छे बनेंगे सारे। सत्संग का अमृत संदेश, आज हम अच्छे बनेंगे सारे। सत्संग का अमृत संदेश,
अच्छे रहेंगे सारे, अच्छे विचार करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे ही वचन उचारे, अच्छे विचार करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे ही वचन उचारे, अच्छे ही वचन उचारे, अच्छे ही वचन उचारे, आज हम अच्छे बने सारे, एक कुटुंब सब दुनिया वारे, एक दूसरे के हम सारे, एक कुटुंब सब दुनिया वारे, वसुधैव कुटुंबकम, ये सुनाई होगा आपने, वसुधैव कुटुंबकम, एक दूसरे के हम सारे, एक कुटुंब सब दुनिया वारे, एक दूसरे के हम सारे, एक कुटुंब सब दुनिया वारे, सारी धरती एक देश, सारी धरती एक देश, आज हम अच्छे बने पुराण की जय हो। इसके लिए पंडाल लगे हुए हैं महाराज। सूत्री महाराज ने कहा, सोनकादि ऋषियों चिंता मत करो, हम तुम्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने से शिव की समझ बढ़ती है। शिव शुद्ध तत्व है, जिसका उस शिव तत्व में प्रवेश होने लगता है उसकी शुद्धता भी बढ़ने लगती है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो शिव वो तत्व है महाराज, जो सत्य भी है, शिवम माने कल्याण रूप है, कल्याण करने वाला है, सुंदरम उससे सुंदर संसार में कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, जितना सुंदर शिव है इतना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। संसार में जो भी सुंदरता दिखाई देती है ये उसका एक बिंदु मात्र है महाराज, एक बिंदु, जस्ट लाइक अ ड्रॉप, एक बिंदु है महाराज। संसार में जो कहीं सुंदरता दिखती है, थोड़ी बहुत सुंदरता कहीं दिखती है, वो शिव का ही एक विशेष अंश है। किसमें कोई विशेषता दिखे किसी में, तो आप उसकी जय जयकार करने की जगह शिव की जय जयकार करो कि शिव ने इसको इतना ज्ञान दे दिया है, शिव ने इसको इतना धन दे दिया है,
शिव ने इसको ऐसा पद दे दिया है, शिव ने इसको ऐसा रूप दे दिया है, शिव ने इसको ऐसा यौवन दे दिया है, शिव ने इसको ऐसा पद प्रतिष्ठा दे दी है, उसके लिए शिव को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना देने वाला कोई नहीं है। लेने वाले तो दुनिया में सब मिल जाएंगे, दाता एक राम भिखारी सारी। शिव पुराण की कथा सुनाने लगे, कहा कि देखो देवराज द्विज था, ब्राह्मण था, कायदे से उसकी पवित्रता का प्रभाव उन किरातों के ऊपर पड़ना चाहिए था, पर उसके अंदर कोई कमजोरी रही जिसके कारण से उन किरातों की अपवित्रता इसमें आ गई। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, अच्छे के संग बैठो तो अच्छा रंग चढ़ता है, बुरे के संग बैठो तो बुरा ही रंग चढ़ता है। ये किरातों की संगति में होने से इसका स्वयं का जीवन बिगड़ता चला गया, बिगड़ता चला गया। एक दिन एक तालाब के किनारे से निकल रहा था, वहां पर एक शोभावती नाम की वैश्या तालाब में स्नान कर रही थी। नाम शोभावती था, बड़ा रूप यौवन लावण से संपन्न थी। जैसे ही उसको देखा इसका मन विचलित हो गया, वैश्या को देख करके मन विचलित हो गया। वैश्या तो वैसे ही ठहरी, उसका मन तो इसको ही मन को देख के उसका मन भी विचलित हो गया। अब वैश्या का विचलित क्या हुआ, वो तो विचलित रहता ही है, माना वो है ही इसलिए वैश्या, क्योंकि विचलित रहती है। उसने देखा इसको और इसने उसको देखा, दोनों एक दूसरे के हो गए, और परिणाम ये निकला उस वैश्या की संगति में पड़ करके इसने अपने घर वालों की भी हत्या कर दी। महाराज घर में माता पिता का धन जो भी रखा हुआ था, रुपया पैसा सब कुछ उनको मार के ले जाके उस वैश्या को दे दिया। और इस तरह से उस वैश्या की संगति करते करते इसने पूरा जीवन निकाल दिया। कथा हमको कुछ समझाने के लिए है महाराज, कथा में से ही कोई संदेश निकलते हैं जो हमारे अंतर के देश को अच्छा करते हैं। अब क्या हुआ, ऐसा करते करते जीवन निकल गया, और जैसे ही कुछ इसके शरीर में बुढ़ापा आने लगा था, एक दिन गांव से निकल के घूमता फिरता एक ऐसे मंदिर में पहुंच गया, शिव का मंदिर था, और वहां पर श्री शिव महापुराण की कथा चल रही थी। महाराज इसने जैसे ही वहां प्रवेश किया, प्रवेश करते ही इसको बुखार आ गया, बुखार आ गया, और ऐसा बुखार चढ़ा कि फिर ये वहां से चल फिर नहीं सका। उसी मंदिर में पड़ा पड़ा, जहां बहुत सारे साधु महात्मा रुके हुए थे, क्योंकि वहां पर भगवान की कथा चल रही थी, वहां पर सज्जन लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहां पवित्र आत्मा लोग इकट्ठे थे। अब ये कुठार गांव में कथा चल रही है, ये 45-50 किलोमीटर दूर से हमारी दीदियां जीजाजी यहाँ आ गए कथा सुनने के लिए, और अभी मैं गांव में निकल जाऊं तो 500 लोग घर में ही मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, पास के पास में, यहीं के यहीं गांव के गांव में, गांव की पॉपुलेशन 1000 से तो ऊपर ही है ना, 1200 के आसपास, 1250 जो भी है, इतने पास में हो करके भी, और कोई रोज सत्संग नहीं पंडाल लगे रहते, साल में मुझे लगता है कई बार लगता होगा, उसके बाद भी लोग आने की इच्छा नहीं कर पाते हैं, और जिनको उस चीज की समझ आ जाती है, उसकी महिमा जिनके मन में जग जाती है, वो बहुत दूर दूर जाके भी इसका लाभ लेते हैं, इसका लाभ लेते हैं। सब सज्जनों की भीड़ लगी हुई थी, वहां कथा चल रही थी, सब थे वहीं पर, ये देवराज भी वहां पड़ा था बुखार में, कथा सुनने तो नहीं गया था, पर कथा सुनने को मिल गई इसको बुखार में, माना
अब क्या हुआ, महीने भर शिव पुराण चलता रहा, एक महीने की कथा, और ये एक महीने तक वहीं पड़ा रहा, इसका बुखार गया ही नहीं। और जिस दिन कथा का विश्राम हुआ उसी दिन ये इसका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई इसकी। और जैसे ही मरा तो यमदूत आए लेने के लिए, क्योंकि कर्म तो पहले के ऐसे ही थे, यमदूत आए, कोई देवदूत तो आए ही नहीं महाराज। यमदूत आए और ले करके नरक में चले गए। जो नरक में पहुंचे ही थे कि उधर से देखा भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेके नरक में घुस गए महाराज। और उन्होंने इन यमदूतों को मार पीट के हटाया और वो देवराज द्विज की जो आत्मा थी उसको ले लिया, अपने विमान में बिठा लिया और इनसे कहा कि तुम इसको क्यों नरक में लेके आए। बोले डायरी देख लो, जिंदगी भर इसने गलत ही गलत काम किए हैं, और जो गलती करते, पाप करते, अपराध करते, दोष युक्त जिनका जीवन होता वो नरक में जाते, नरक के भागीदार होते, इसलिए हम लेके आए, हमने कोई मिस्टेक थोड़ी करी। बोले बहुत बड़ी मिस्टेक करी तुमने। क्यों? अरे अभी ये शिव पुराण सुन रहा था, शिव पुराण, भगवान की कथा की ऐसी महिमा है, इसने तो पूरा शिव महापुराण सुना है, अगर किसी के कान में कथा का एक शब्द भी चला जाए तो वो भी फिर नरक में नहीं जा सकता, वो भी भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता। एक अंत काले तु एने विश्रुयते सुख शास्त्र वाक प्रीत्या तत्सैव वैकुंठम गोविंदो अपि प्रेच्छति। अंत समय में कोई अपने कान से भगवान की कथा के कुछ शब्द ही श्रवण कर ले, भगवान उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको अपना परम धाम दे देते हैं। यमदूत तुम महामूर्ख धरे हो, तुम इसको यहां लेकर के आ गए, तुम्हें बिल्कुल समझ ही नहीं है। अब यमराज को पता चला कि हमारे लोक में कुछ गहमा गहमी हो रही है, हॉट टॉक हो रहा है, तो यमराज ने पता लगाया कौन आया भैया, क्यों चल रही है जोर जोर की चर्चा। अरे बोले तुम्हारे दूतों ने गलती कर दी है, शिव पुराण के श्रोता को नरक में ले आए हैं, इसलिए शिव के पार्षद उसको डांट रहे हैं। आप लोग तो इतने भाव से बैठ के कथा सुन रहे हो, अब कोई महाराज से पूछने की जरूरत नहीं है कि महाराज मारो कहीं होएगा, नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि वैकुंठ में जाएंगे। जिसने कोई आदर से नहीं सुनी, अनायास सुनने में आ गई, उसको भी शिव के पार्षद छीन के ले जा रहे हैं। तुम तो इतने प्रेम से भाव से बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, जब भी तुम्हारा जाने का नंबर होगा तो शिव के लोक में जाओगे महाराज, शिव के धाम में जाओगे, शिव के परम पद को प्राप्त करोगे, शिव का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम इतनी श्रद्धा से सुन रहे हो। यमराज को पता चला, यमराज ने पूजा का थाल तैयार किया और पूजा का थाल लेकर के आए, शिव के पार्षदों का पूजन करने लगे, पूछा कुछ नहीं, पूजा कर रहे। पूछा इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है गलती अपने साइड से ही है, इसलिए डिस्कशन करने से कोई फायदा होना नहीं है। बाल की खाल मत निकालो, क्या होगा बाल की खाल निकालने से, कई लोगों की आदत होती बाल की खाल निकाल देते, ऐसे लोगों से दूर भगना पड़ता है, भैया इसको आ रहा है ऊपर चलो यहां से, क्यों बोले फालतू बैठा बैठा बाल की खाल निकालेगा बस। सो भैया यमराज ने जब पूजन किया तो यमदूतों का मुंह झुक गया, माथा झुक गया, सिर झुक गया कि अरे अपन जिनको साधारण समझ रहे थे ये तो कोई दिव्य पुरुष हैं, ये तो कोई देवी आत्माएं हैं, क्योंकि अपने राजा जो मालिक हैं वो भी इनका आदर कर रहे हैं, वो भी इनकी पूजा कर रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं।